पिंपली राज्य में आज राजा भीमदेव ने अपने दरबार में एक वैचारिक सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें पूरे भारतवर्ष के विद्यालयों के सबसे उत्कृष्ट विद्यार्थी भाग ले रहे थे। भाग ले रहे सभी छात्रों के लिए दान दक्षिणा थी और जीतने वाले उम्मीदवार के लिए थी राजा के मंत्रिमंडल में मंत्री पद की कुर्सी। इस सम्मेलन में तक्षशिला का प्रतिनिधित्व कर रहे थे वहां के सबसे होनहार छात्र चाणक्य। दरबार में राजा के महामंत्री कृष्ण स्वामी सभी प्रतिभागियों से एक एक कर देश के समाज के हित के बारे में प्रश्न पूछ रहे थे, लेकिन अब तक एक भी प्रतिभागी ऐसा नहीं मिला था जो उनके प्रश्नों का संतुष्टिजनक उत्तर दे सके। और अब बारी आई चाणक्य की। उन्होंने राजा और पूरे मंत्रिमंडल को नमन कर अपना परिचय दिया। उसके बाद वो अपनी शिखा की गांठ को